हेलो दोस्तों, तो अगर आपने फुटिंग फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी। अभी ये चीज़ क्या है कि आप देखते हो कि आपका जो कॉलम है, जो फुटिंग है ना, उसके आउटर सरफेस पे ना इस तरीके से ब्लैक पेंट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। मैं एक बात बता दूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस निकल कर आते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ कि आखिर यह ब्लैक कलर का मटेरियल है क्या, सबसे पहले मटेरियल को जानना होगा। सेकंड कि हम लोग इसको क्यों लगाते हैं, एडवांटेजेस क्या है, क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि किस तरीके से लगाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में हर एक चीज को करने का एक प्रोसीजर होता है। गलत प्रोसीजर से करोगे तो वही काम खराब हो जाता है। तो तीनों चीज जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि ये मटेरियल क्या है। तो इस मटेरियल को लोकल लैंग्वेज पे, साइट पे आप सुनोगे कि इसको बोलते हैं ब्लैक जापान। और ऐसे अगर इसको बोला जाए, इसको बिटुमिनस पेंट बोलते हैं। काफ़ी इजीली आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे ये मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि आखिर इसको ब्लैक जापान क्यों बोला जाता है, क्योंकि नाम सुन के जापान बड़े कंट्री का नाम आ जाता है। तो भाई ऐसा क्यों? तो ये पेंट ना वहाँ से आया है हमारे पास, इसलिए उस कंट्री का नाम इसको दे दिया है। और कलर ब्लैक होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक जापान या फिर बिटुमिनस पेंट। अब ये नॉर्मल पेंट की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें बिटुमिनस के भी कुछ परसेंटेज प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इसे हम लोग ब्लैक बिटुमिनस पेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया, अब तो ये समझ में आ गया मटेरियल। अब ये जानना है कि आखिर ये कोट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, आउटर सरफेस पे जो फुटिंग है हमारा, वहाँ पे इसको लगाया क्यों जा रहा है। तो एक चीज़ समझ लो, जितने भी सब स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर मान ली कि जो स्ट्रक्चर आपके सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने वाले, फ्रेश ग्राउंड लेवल के नीचे आपका क्या रहता है, फुटिंग रहता है, टाई बीम रहता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो सब स्ट्रक्चर है जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं ना, वहाँ पे इसे देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब भाई ज़रूरी क्यों हो जाता है ये भी जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है ना कि आपको मालूम हुआ होगा कि कॉन्क्रीटिंग करने के बाद भी ना, कॉन्क्रीट के बाहरी सरफेस में ना टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे 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 छेद रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये तो आपका जो सब स्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो फाउंडेशन है, जो फुटिंग है, वो तो आपके सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और फिर सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा, सॉइल में मॉइस्चर रहता है। मान लो बोलोगे भाई, जिस समय हम लोग डंप कर रहे थे सॉइल काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ था, लेकिन जब बारिश होगा तब, ठीक है, फिर वहाँ पे मॉइस्चर आ जाएगा। और मॉइस्चर काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे रहता है। और अगर मॉइस्चर रहेगा ना, तो वो जो पोर्स बचे रह गए हैं आपके कॉन्क्रीट के बाहरी सरफेस पे, वो इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, एक पोर से दूसरा पोर, तीसरा पोर, चौथा पोर, और वो फाइनली जाके कहाँ मीट हो जाते हैं, आपके स्टील में। और आपको मालूम होगा कि मॉइस्चर आपके स्टील के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, मतलब वो कैंसर है। मॉइस्चर लगा स्टील में, वहाँ रस्टिंग चालू, रस्टिंग होगी, कोरिजन आ जाएगा, और कोरिजन पूरी के पूरी स्टील को ऐसा बोल सकते हो कि खा जाता है। ठीक है, पूरा स्टील बर्बाद हो जाता है। आप कहीं पे देखोगे ना, जहाँ पे जनरली हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये बिटुमिनस पेंट करते नहीं है, कोट करते नहीं है, तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जब कहीं पे घर के बुनियाद को वापस से तोड़ा जाता है, तो आप देखते होगे कि स्टील में रस्ट आ जाता है। तो आप ये सोचे होंगे कि भाई कॉन्क्रीट का कवर था, स्टील इसके ऊपर रस्टिंग कैसे आ गया, क्योंकि वो तो बाहर नहीं है, उसके बाद भी इस पर रस्टिंग कैसे आ गया, ये तो स्टील एकदम बेकार हो गया, यूज़ नहीं कर सकते उसको। इसका रीज़न यही था कि इसमें पोर्स रहते हैं आपके कॉन्क्रीट में, मॉइस्चर आएगा, पोर्स के थ्रू होते हुए आपके स्टील तक पहुँचता है और आपके स्टील को खा जाता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके घर का ये जो ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ना हो तो आपको इसको कोट कर देना। सेकेंड क्या है कि ये एंटी टर्माइट है, मतलब ज़मीन के नीचे कीड़े मकोड़े टर्माइट्स वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए भी ये क्या है कि वो कीड़े मकोड़े की वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं आएगा, एंटी टर्माइट है। उसके बाद एंटी सीपेज है, जाहिर है कि ये कोट कर देने के पास, क्योंकि ये बिटुमिनस इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपके पानी को जो सिपेज वगैरह होता है, जो अंदर जाता है, पोर्स के थ्रू मोशे जाता है, वो उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर देगा। ये तीन फायदे हो गए आपका ब्लैक जापान प्रोवाइड करने का। अब ये जानते हैं कि किस तरीके से प्रोवाइड करना है, क्या ऐसा है कि बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और उसको कर दो? नहीं, सबसे पहले तो जब आपका कास्टिंग कंप्लीट होता है, शटरिंग वगैरह घुल जाएगा, उसके बाद कम्प्लीटली कम से कम 7 डेज तक जो इसका क्यूरिंग पीरियड है, आपको उस टाइम तक अच्छे से क्यूरिंग करना है। ठीक है, क्यूरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपको ये डम बैक फिल करने से पहले आपको ये काम करना है, ब्लैक जापान का कोट कर देना है।
ठीक है। दूसरा चीज़ आपको एक और चीज़ देखना है कि ये भी आपको चेक कर लेना है कि आपका जो फिनिश होना चाहिए, आपका जो आउटर सरफेस है, हनी कॉम वगैरह ना हो, सरिया नहीं दिखना चाहिए। अगर सरिया दिख रहा है या हनी कॉम आ रहा है तो उसको फिर आप जो फिनिश करते हो, ठीक है, रिपेयर जिसको आप लोग बोलते हो, उसको अच्छे से रिपेयर करो। हनी कॉम है तो उसको रिपेयर करो, और उसके रिपेयर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये ब्लैक जापान उस पर प्रोवाइड करना है। एक दिन आप उसको छोड़ दो सूखने के लिए, और फिर उसके बाद जिस तरीके से आप बैकफिल करते हो उस तरीके से बैकफिल कर दो। तो ये छोटी सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इजिली किसी भी हार्डवेयर शॉप पर चले जाओ, ब्लैक जापान बोलो, बिटुमिनस पेंट बोलो, मिल जाएगा आपको, और काफ़ी सस्ता होता है। और आपको सिर्फ जो सबस्ट्रक्चर है सिर्फ उसमें देना है, ज़्यादा लगाना भी नहीं है। तो थोड़ा सा पैसा आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको आगे जाके पहुँचाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं नहीं बता पाया, या फिर कोई और कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।